वेलकम बैक मकतुमी का शाह। आप कैसे हो नीचे कमेंट करके जरूर बता सकते हो। और आज के टाइम पे आप मार्केट में ना 20K के अराउंड देखते हो तो आपको ये तीन तगड़े फोन देखने मिलते हैं। एक है आईकू का G9, सेकंड वीवो का T3 और थर्ड नंबर रियलमी 12 प्लस। तीनों तो हम नहीं बाय करेंगे ना, कोई तो एक ही लेना है। तो आज की इस वीडियो से आपको पता चल जाएगा, क्योंकि यार यहाँ पे ना कुछ चीज़ें मैंने देखी है। एक फ़ोन के अंदर गेमिंग की ऑप्टिमाइजेशन बेटर देखने मिलती है, तो दूसरे फ़ोन के अंदर कैमरा ऑप्टिमाइजेशन अच्छी है, तो तीसरे फ़ोन के अंदर ओवरऑल बैटरी लाइफ वगैरह बहुत कुछ चीज़ें भी अच्छी देखने मिलती है। तो हाँ, इससे ना एक कन्फ्यूजन क्रिएट होती है डेफिनेटली, कि यार हमें कौन सा चूज़ करना चाहिए। हाँ यार, वीडियो को थोड़ा सा ना आपको सीरियसली देखना है, उसके बाद आपका सारा कन्फ्यूजन क्लियर होगा। तो सबसे पहले बात आती है प्राइस की। देखो ये तीनों भी फ़ोन, इनके जो बेस्ट वेरिएंट है ना 8GB 128GB, ये अंडर 20K ही देखने मिलते हैं। फिर भी मैं आपको बताऊं, आईकू और वीवो हमें 8GB 128GB ये 18K के आसपास आते हैं, तो रियलमी लगभग 8GB 128GB 19K के आसपास देखने मिलता है। और इनके हायर वेरिएंट की बात करें 8GB 256GB, आईकू और वीवो 20K लेते हैं, तो रियलमी यहाँ पे 21K लेता है। तो कहीं भी कैसे भी देख लो, आईको और वीवो आपको 1K सस्ते मिल सकते हैं एज़ कम्पेयर टू रियलमी। हाँ, इस 1K के चक्कर में मत जाना, आगे कुछ डिफरेंस भी हमें देखने मिलते हैं, जैसे कि डिज़ाइन। और डिज़ाइन में रियलमी बैक लेदर का देता है, तो ये भी डेफिनेटली अच्छा लगता है, और फिंगर के वगैरह निशान इसके ऊपर नहीं आते, और जितना अभी तक हमने यूज़ किया एक सिंगल स्क्रैच भी नहीं आया। जबकि आईकू के दोनों भी फ़ोन हमें बैक पॉलीकार्बोनेट का ही प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि हाँ ये भी मैट फिनिश के साथ आते हैं, बट यहाँ पे ना आईकू की मैट फिनिशिंग ज़्यादा मुझे अच्छी लगी, क्योंकि ये ज़्यादा मैट फिनिश टाइप है। तो यहाँ पे ना वीवो भी मैट फिनिश टाइप है, बट हल्की सी स्मूथनेस ज़्यादा है और थोड़ा ग्लॉसी भी है। तो यहाँ पे ना फिंगर के निशान ज़्यादा थोड़े से दिखते हैं वीवो पे, आप अच्छे से देखते हो तो, बट ऐसे ज़्यादा फिंगर दिखते नहीं आईकू के ऊपर, और रियलमी के ऊपर तो बिल्कुल नहीं दिखते। हाँ, रही बात साइड फ्रेम की, तो यहाँ पे एक तगड़ा डिफरेंस है बताना चाहूँगा मैं आगे आपको। तो तीनों के अंदर हमें पॉलीकार्बोनेट की ही साइड फ्रेम देखने मिलती है, बट रियलमी में क्या है ना, रियलमी के अंदर जो एजेस है ना, ये हमें शार्प देखने मिलते हैं और ये हाथों में चुभते हैं, जबकि आईकू और वीवो के अंदर जो एजेस है ना, ये ब्लेंड हुए फ्रेम के साथ, तो यहाँ पे ना ये चुभते नहीं, और थोड़े से ब्लेंड होने की वजह से ये हाथों में भी अच्छे से ग्रिप हो जाती है, और बिल्कुल रियलमी जैसा चुभने का फीलिंग भी नहीं आता। और इसके वजह से इन हैंड फीलिंग मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे आईकू और वीवो की बेटर है। और सामने के साइड से डिज़ाइन की बात करें, देखो सामने के साइड में ना इस प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग हमें बेजल्स देखने मिलते हैं, जो मेरे हिसाब से तीनों के अंदर सेम ही लेवल के बेजल्स है, इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है। साइड ऊपर और टॉप के बेजल्स सेम देखने मिलते हैं, और नीचे की जो चीन है ना, ये भी ऑलमोस्ट सिमिलर से ही देखने मिलती है। हाँ, यहाँ पे एक डिफरेंस है वेट के अंदर, रियलमी 192 ग्राम का है, आईकू 189 ग्राम का है, तो वीवो 188 ग्राम का देखने मिलता है। बट हाँ, यहाँ पे कहीं ना कहीं स्लाइडली आईकू और वीवो थोड़ा सा वेट कम होने की वजह से और बेटर फील होते हैं हाथों में वन हैंड से यूज़ करने के लिए, ऐसी कुछ चीज़ें हैं। और रियलमी के अंदर एक प्लस पॉइंट चला जाता है, वो है कि ऊपर साइड में हेडफोन जैक का सपोर्ट देखने मिलता है 3.5mm वाला, जो आईकू और वीवो के अंदर मिसिंग है। तीनों के अंदर NFC वगैरह देखने को नहीं मिलता, बट तीनों के अंदर हमें IP54 की रेटिंग देखने मिलती है, मतलब डस्ट एंड वाटर ड्रॉप रेजिस्टेंट है। इसका मतलब ये नहीं कि आप पानी के अंदर इनको डुबा दो, नॉर्मल वाटर के ड्रॉप वगैरह पड़ते हैं तो चल जाएगा, बट प्रॉपर पानी के अंदर डुबाना ही मत। बट एक चीज मुझे थोड़ी सी अजीब लगी, वो है कि इनके डिस्प्ले सेक्शन के अंदर, शायद ये फोन तीनों आप एक साथ एक्सपीरियंस करोगे ना, तभी ये चीजें आपको महसूस हो जाएंगी, बट मैं बताना चाहूंगा आपको क्लियरली और समझाना भी चाहूंगा। देखो तीनों के अंदर 6.67 इंच के AMOLED डिस्प्ले देखने मिलते हैं, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आते हैं, और जितना हमने देखा इंडोर में सेम ब्राइट फील होते हैं, और जैसे आप आउटडोर में जाते हो, आईकू और वीवो में एक बग है, कभी कभी ब्राइटनेस को बढ़ाते हैं, कभी कभी ब्राइटनेस को कम रखते हैं, बट यहाँ पे ना ब्राइटनेस सस्टेन रियलमी रखता है। जैसे हमने आउटडोर में चेक किया तो रियलमी हल्का सा ब्राइट फील होता है, और ये आईकू के जो बग है ना ब्राइटनेस वाला, ये जब ब्राइटनेस फुल होती है ना, ऑलमोस्ट रियलमी जितनी ही ब्राइटनेस शो करते हैं, बट कभी कभी आउटडोर में आईकू और वीवो ब्राइटनेस को कम रखते हैं, पता नहीं कैसे ये जो बग है ना ये फिक्स करना पड़ेगा, बट यहाँ पे रियलमी ज़्यादा ब्राइट फील होता है। और मेरे हिसाब से रियलमी को ना HDR10 का सपोर्ट नेटफ्लिक्स के अंदर देना चाहिए था, जो नहीं है, और आईकू और वीवो के अंदर हमें HDR10 का सपोर्ट नेटफ्लिक्स के अंदर देखने मिलता है। कहीं ना कहीं आप नेटफ्लिक्स के ऊपर HDR वीडियोस देखोगे तो इसका फायदा आपको जरूर होगा। YouTube के अंदर 4K HDR का सपोर्ट तीनों के अंदर देखने मिलता है, और तीनों भी 4K HDR में वीडियो के अंदर फ्रेम्स को स्किप करते हैं। अब बात जब वीडियो क्वालिटी की आती है ना, तो यहाँ पे मुझे कुछ चेंजेस नोटिस हुए।
जैसे कि रियलमी का डिस्प्ले ना ज़्यादा कलर को सैचुरेट करता है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा ही होगा, यहाँ पे ना थोड़े से नेचुरल टाइप कलर आईकू और वीवो के अंदर शो होते हैं। हाँ, यहाँ पे एक चेंज और मुझे नोटिस हुआ कि जैसे कि वीडियो के अंदर डार्क पार्ट आता है ना, तो यहाँ पे रियलमी बेटर विजिबिलिटी प्रोवाइड करता है, और डार्क पार्ट में भी जो जो चीज़ें हैं रियलमी के अंदर बेटर विजिबल होती है, जो उसके बाद आईकू में देखने को मिली और उससे कम मुझे वीवो के अंदर देखने को मिली। यहाँ पे आप एग्जाम्पल भी देख सकते हो, बट इतना भी बड़ा डिफरेंस नहीं है, तीनों को साइड बाई साइड रखोगे तभी आपको पता चल जाएगा। ओवरऑल जितने मैंने वीडियोज का एक्सपीरियंस लिया वैसे तीनों के अंदर आपको सेम लेवल का ही एक्सपीरियंस मिलेगा, बट हाँ कहीं ना कहीं HDR10 की कमी मुझे रियलमी के अंदर देखने मिली। अब दो चीजों में इन तीनों ब्रांड की मैं तारीफ करना चाहूंगा। सबसे पहले तीनों के अंदर हमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट देखने मिलता है, और इतने कम प्राइस में इन डिस्प्ले भी आ रहा है, मतलब ये चीजें सही है। और जितना हमने स्पीड को टेस्ट किया, देखो आईकू और वीवो के अंदर सेम ही स्पीड देखने मिलता है, बट जब मैंने आईकू को रियलमी के साथ कंपेयर किया और वीवो को रियलमी के साथ कंपेयर किया, तो रियलमी हल्का सा पहले अनलॉक करता है, मतलब ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट थोड़ा फार यहाँ पे ना फिंगरप्रिंट अनलॉकिंग में मुझे डिफरेंस नोटिस हुआ। सो यहाँ पे रियलमी कहीं ना कहीं पहले अनलॉक कर रहा था, और उसके साथ साथ तीनों के अंदर ड्यूल स्टीरियो स्पीकर देखने मिलते हैं, और क्वालिटी भी मुझे सही देखने मिली, बट कहीं ना कहीं बेस जो है ना ये आईकू और वीवो के अंदर थोड़ा सा बेटर है, बट जो लाउडनेस है ना ये तीनों की मुझे ऑलमोस्ट सिमिलर से ही देखने मिली। बाकी रही बात वाइब्रेशन मोटर की, तो तीनों के अंदर हमें डिसेंट लेवल की ही वाइब्रेशन मोटर देखने मिलती है, मतलब थोड़ा सा घुरघुर टाइप इफेक्ट आता है। इनफैक्ट तीनों के अंदर 5G भी देखने मिलता है, और तीनों के अंदर 8-9 5G के बैंड्स भी देखने मिलते हैं, जैसे कि आईकू और वीवो 8 5G के बैंड्स प्रोवाइड करते हैं, जबकि रियलमी के अंदर हमें 9 5G के बैंड्स देखने मिलते हैं। हाँ, यहाँ पे कुछ यूजर्स को ना वीवो के अंदर एक दिक्कत आ रही है कि 5G नहीं चल रहा, मतलब 5G पहले आता था और जैसे ही फोन उन्होंने बाय करके सिम कार्ड इंसर्ट किया तो 4G ही चल रहा है, 5G नहीं आ रहा है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे यूनिट में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है और 5G भी चल रहा है इसके अंदर टकाटक, और आपको ऐसी दिक्कत आ रही है तो आपको क्या करना चाहिए, आपके पास कोई और 5G वाला फोन है ना उसके अंदर सिंपली वो कार्ड निकाल के उसके अंदर डाल देना और फिर से निकाल के वीवो के अंदर डाल देना, 5G आपका आराम से चल जाएगा। बट फिर भी 5G नहीं चलता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, बाकी हम कोशिश करेंगे ब्रांड तक ये फीडबैक चला जाए और ये 5G का जो भी इशू है फिक्स हो जाए। बाकी तीनों भी फोन 4G प्लस के साथ आते हैं तो हाँ कोई दिक्कतें नहीं है, बट हाँ एक चीज़ तो बताना चाहूँगा कि जैसे आपका फोन 5G के ऊपर रहता है, कॉल वगैरह आता है, तो फोन 4G पे शिफ्ट होते हैं, मतलब अभी भी प्रॉपर ONR का सपोर्ट तीनों के अंदर नहीं है। अब तक जो चीज़ें मैंने आपको बताई ये तीनों फोन के अंदर ऑलमोस्ट सिमिलर से ही थी, बट बड़ा डिफरेंस तो परफॉर्मेंस से आता है जो मुझे ना अच्छे से आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। बट एक्सप्लेन करने से पहले यार आपके लिए ऐसे वीडियोस बनाने पड़ते हैं जिसके अंदर हमें पैसे भी लगाने पड़ते हैं, खुद फ़ोन भी बाय करने पड़ते हैं, तो थोड़ा सा भी अप्रिशिएट करना है, तो 2000 लाइक का टारगेट रखते हैं। और आपका कोई भी कमेंट्स हो पहले 200 कमेंट्स को मैं रिप्लाई दूंगा, और मैं देता आ रहा हूं, आपने देखा ही होगा, तो आपका कोई भी डाउट हो पूछ लो, मैं आंसर देने की जरूर कोशिश करूंगा। और इस वीडियो से हमारे 1000 सब्सक्राइबर बढ़ने चाहिए, फटाफट सब्सक्राइब कर दो। अभी जब प्रोसेसर और इनका ना परफॉर्मेंस ओवरऑल मैंने देखा तो गजब का डिफरेंस आता है। यहाँ पे कैसे रियलमी के अंदर हमें डेमिसिटी 7050 देखने मिलता है, और आईको और वीवो के अंदर डेमिसिटी 7200 देखने मिलता है। और जब मैंने Antutu यहाँ पे देखे ना तो रियलमी लगभग 6 लाख के अराउंड आता है, 5,86,000 के आसपास आ रहा था, तो यहाँ पे वीवो 7,20,000 के अराउंड था, तो आईको 7,25,000 के अराउंड था, मतलब Antutu में यहाँ पे टॉप पे आईकू ही था, और वीवो और आईकू के अंदर तो जबकि सेम प्रोसेसर देखने मिलते हैं। हाँ, परफॉर्मेंस स्कोर में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, बट डेफिनेटली यहाँ पे सीपीयू थ्रॉटलिंग की बात करें तो यहाँ पे भी तीनों के अंदर डिफरेंस देखने को मिलता है। कैसे, आईकू के अंदर एवरेज GIPS स्कोर 2,27,000 के अराउंड थे और 95% की परफॉर्मेंस थी, तो वीवो के अंदर एवरेज GIPS स्कोर 2,38,000 के अराउंड थे और नो सीपीयू थ्रॉटलिंग, मतलब कुछ भी परफॉर्मेंस में ड्रॉप नहीं, जबकि रियलमी के अंदर एवरेज GIPS स्कोर 1,78,000 के अराउंड थे और 94% की परफॉर्मेंस थी। तो यहाँ पे डेफिनेटली आईकू और वीवो के अंदर ज़्यादा स्टेबल परफॉर्मेंस देखने मिलती है, और कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस स्कोर के अकॉर्डिंग वीवो और आईकू ज़्यादा पावरफुल है एज कम्पेयर टू रियलमी। और हमने रियल प्रैक्टिकल लाइफ में भी ये डिफरेंस देखा। कैसे, सबसे पहले वेब स्टोरेज 2.2 देखने मिलता है, अभी रियलमी के अंदर 3.1 है, तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं, बट हमने रियल लाइफ में जब प्रैक्टिकली टेस्ट किया, जैसे कि काइनमास्टर के अंदर हमने सेम लेंथ का एक वीडियो क्रिएट किया, एक्सपोर्टिंग सेटिंग पे गए, तो तीनों के अंदर 2K तक वीडियो एक्सपोर्ट आप कर सकते हो, बाकी 1080p 60fps और हाई बिटरेट पे सेम टाइम पे हमने वीडियो को रेंडरिंग पे लगा दिया। तो यहाँ पे ना रिजल्ट्स देख के आप भी शॉक हो जाओगे, आईकू और वीवो ने 1:17 के बाद वीडियो को फिनिश किया था, जबकि रियलमी को 2:25 के आसपास टाइम लगा था,
तो डेफिनेटली यहाँ पे एक मिनट के ऊपर यहाँ पे रेंडरिंग में डिफरेंस था। उतना ही नहीं, हमने क्या किया, नॉर्मल एप्स ओपन करके देखे तो हाँ स्पीड सिमिलर सा ही है। जब हेवी ऐप ओपन करके हमने देखा, जैसे कि BGMI को एट ए टाइम ओपन किया तीनों के अंदर, तो सबसे पहले आईकू ने ओपन किया, उसके बाद वीवो ने ओपन किया और उसके बाद रियलमी ने ओपन किया। तो प्रैक्टिकल लाइफ में आप हेवी टास्क करने जाओगे ना, तो यहाँ पे ना बेटर परफॉर्मेंस आपको आईकू और वीवो के अंदर देखने को मिल जाएगी एज कम्पेयर टू रियलमी। तो डेफिनेटली परफॉर्मेंस में डिफरेंस आता है। हाँ उतना नहीं, हमने गेमिंग के अंदर भी देखा कि यहाँ पे डिफरेंस है कि नहीं, तो तीनों के अंदर BGMI के अंदर स्मूथ प्लस एक्सट्रीम मतलब 60 FPS का सपोर्ट देखने को मिलता है और HDR के अंदर अल्ट्रा मतलब 40 FPS का सपोर्ट देखने को मिलता है। और तीनों के अंदर हमने जितने भी क्लासिक मैचेस ट्राई किए यहाँ पे, तो आईकू और वीवो, जबकि यहाँ पे आईकू के अंदर तो मॉन्स्टर मोड भी देखने को मिलता है मतलब परफॉर्मेंस मोड, वो परफॉर्मेंस मोड वीवो के अंदर नहीं है, फिर भी आईकू और वीवो लगभग 56-57 FPS के आसपास इनके एवरेज FPS रह रहे थे, जबकि रियलमी 53-54 FPS के आसपास रह रहा था। हाँ ज़्यादा फ्लक्चुएशन रियलमी के अंदर FPS में देखने को मिल रहा था। तो मैं बोल सकता हूँ आईकू और वीवो आपको ना मॉडरेट लेवल की गेमिंग जरूर करवा के दे देंगे, जबकि रियलमी के अंदर मॉडरेट से थोड़ी कम लेवल की आपको गेमिंग देखने को मिल जाएगी। हाँ तीनों भी प्रॉपर गेमिंग फोन नहीं है, बट तीनों में से एक चूज करना हो under 20 के, तो डेफिनेटली यहाँ पे आईकू और वीवो दोनों भी बेटर है। अब कुछ इंटरेस्टिंग चीजें मैं आपको ना सॉफ्टवेयर सेक्शन के अंदर बताना चाहूंगा। और हाँ सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा मैटर करता है, चाहे आप 5000 का फोन ले लो या 15 या 20 हज़ार का फोन ले लो, सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और किसका ज्यादा ऑप्टिमाइज देखने मिलता है, एक चीज तो तीनों के अंदर मुझे अच्छी लगी और तीनों का भी तारीफ करना चाहूंगा, क्योंकि लेटेस्ट एंड्रॉइड देखने मिलता है, एंड्रॉइड 14 के साथ ये फोन आते हैं। रियलमी के अंदर Realme Y5 है, तो दोनों आईकोर भी वो के अंदर फ्रंटेश OS 14 देखने मिलता है। अब बात करें एड्स के एंड ब्लोटवेयर्स की, तो देखो यार तीनों के अंदर ब्लोटवेयर्स देखने मिलते हैं, बट रियलमी के अंदर ज़्यादा ब्लोटवेयर्स है, 15+ ब्लोटवेयर्स देखने मिलते हैं। उनमें से कुछ अनइंस्टॉल कर सकते हो, कुछ अनइंस्टॉल नहीं कर सकते, जबकि वीवो और आईकू के अंदर आपको लगभग 6-10 के बीच में ब्लोटवेयर्स देखने मिलते हैं और इनमें से भी कुछ अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तीनों के अंदर हॉट ऐप और हॉट गेम्स देखने मिलते हैं, उनको ना आपको डिसेबल करना पड़ेगा और ब्लोटवेयर्स को अनइंस्टॉल करना पड़ेगा। और यहाँ पे एड्स की बात करें तो मैं ना अभी जो नोटिफिकेशन वगैरह आते हैं ना फालतू के, उनको भी एड्स में डालना चाहूँगा। तो तीनों के अंदर फालतू के नोटिफिकेशन आते रहते हैं, वीवो और आईकू के अंदर जो इनका प्ले स्टोर ऐप है ना, तो कि नोटिफिकेशन भेजता रहता है, इनको बंद कर देना। और रियलमी के अंदर इनका ऐप मार्केट और इनका जो थीम ऐप है ना, ये भी बहुत सारे नोटिफिकेशन भेजता रहता है, तो इसके भी नोटिफिकेशन आपको बंद करनी पड़ेंगे। मतलब 20,000 के अराउंड आपको कहीं ना कहीं ऐड का एक्सपीरियंस तीनों के अंदर होगा ही होगा। तो सबसे पहले आपको जैसे फ़ोन आता है तो ये सारी चीज़ें डिसेबल या उनके नोटिफिकेशन, ये सब कुछ आपको करना पड़ेगा। अब रही बात एनिमेशन एंड स्मूथनेस की, तो तीनों के अंदर जितने मैंने देखे नॉर्मल ऐप्स वगैरह ओपन क्लोजिंग में इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है, एनिमेशन स्मूथ फील होते हैं। बट आप जैसे हेवी ऐप्स ओपन करते हो, जैसे कि कैमरा हो गया या कोई गेम हो गई, ओपन क्लोज करते हो, तो डेफिनेटली तीनों के अंदर थोड़े से स्टटर देखने को मिलते हैं, इतना भी ज़्यादा क्लीन एक्सपीरियंस नहीं है। बट डेली लाइफ में मैं बताऊं तो आईकू और वीवो थोड़े से एनिमेशन में बेटर फील होते हैं एज कम्पेयर टू रियलमी, ऐसी कुछ चीज़ है। बट सबसे इंटरेस्टिंग बात तो मुझे ये लगी, और रियलमी को भी एक फीडबैक रहेगा कि 120Hz का रिफ्रेश रेट, देखो तीनों के अंदर सिस्टम के साथ इसका इंटीग्रेशन बहुत अच्छा है, बट जब बात आती है थर्ड पार्टी ऐप्स की, तो यहाँ पे आईकू और वीवो के अंदर इंस्टाग्राम ट्विटर यूट्यूब 120Hz के साथ चलता है, जबकि रियलमी के अंदर इंस्टा और ट्विटर 120Hz के साथ चलता है, बट जैसे ही यूट्यूब आता है तो रियलमी 60Hz पे लेके आता है। तो मेरे हिसाब से रियलमी को 120Hz देना चाहिए, जबकि रियलमी UI ऑक्सीजन OS कलर OS सेम ही है, और ऑक्सीजन OS में हमें फोर्सली 120Hz अप्लाई करने का भी ऑप्शन देखने मिलता है, जो रियलमी के इस फोन के अंदर ये ऑप्शन नहीं है। तो ऐसी कुछ चीज़ें पर्सनली मुझे नोटिस हुई, और फीचर्स में तो कोई कमी नहीं है, तीनों के अंदर आपको भर भर के फीचर्स देखने मिलते हैं, जैसे कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले हो गया, और उसके साथ साथ इनके खुद के डायलर भी आते हैं। हाँ रियलमी के अंदर आपको वो डायलर इंस्टॉल करना पड़ेगा, बट कहीं ना कहीं उसकी ऑप्टिमाइजेशन थोड़ी सी कम है, बट उसके थ्रू आप कॉल रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो कॉल रिकॉर्ड तो तीनों के अंदर आप इजिली कर सकते हो, बट रियलमी के अंदर हमें जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर है ना, ये फिजिकल वाला देखने मिलता है, तो इजिली एक कॉल स्क्रीन को बंद करता रहता है, जबकि आईकू और वीवो के अंदर ये मोशन बेस है, काम करता है, बट कभी कभी ना जो कॉल स्क्रीन जो इसने बंद की है ना, उसको ऑन करना भूल जाता है, कभी कभी होता है, तो पावर बटन को प्रेस करना पड़ेगा। रही बात यहाँ पे कि कितने अपडेट्स इनके अंदर आएंगे, तो तीनों के अंदर 2 मेजर सॉफ्टवेयर अपडेट्स देखने को मिल जाएंगे और 3 इयर्स की सिक्योरिटी पैच लेवल देखने को मिल जाएंगी। मतलब 14 पे चल रहे 15 और 16 तक मेजर सॉफ्टवेयर अपडेट्स आएंगे इनके अंदर, तो ये ऐसी कुछ चीज है। बट ओवरऑल सॉफ्टवेयर के लिए बोला जाए तो तीनों के अंदर एड्स का एक्सपीरियंस आपको मिलेगा ही मिलेगा, तीनों के अंदर फीचर्स वगैरह एक्स्ट्रा देखने को मिल जाते हैं, बट डेली लाइफ में
आईक्यू और वीओ के जो एनिमेशंस है ना, रियलमी से आप कंपेयर करते हो तो हल्के से बेटर फील होते हैं। तो ऐसी कुछ चीजें हैं। अब चीजें तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कैमरा सेक्शन के अंदर, और तीनों के अंदर 2x पोर्ट्रेट मोड देखने मिलता है। क्या है क्या नहीं, सबसे पहले ना यहाँ पे कैमरे के स्पेसिफिकेशन रीड कर लेना, और आपको ना मैं सारे मॉनिटर के ऊपर ही एक्सप्लेन कर देता हूँ, तो इससे आपको क्लियर कट आइडिया लग जाएगा। सबसे पहले नॉर्मल शॉट हमने ट्राई किया, तो आईक्यू और वीओ के अंदर वार्म टोन ज्यादा रहती है चेहरे के ऊपर, तो रियलमी के अंदर नेचुरल टोन रहती है। हाँ, डायनेमिक रेंज तीनों की अच्छी थी, बाकी रियलमी के अंदर अल्ट्रावाइड देखने मिलता है जो आईक्यू और वीओ के अंदर नहीं है, तो इसका बेनिफिट रियलमी की तरफ चला जाता है। कुछ ऐसे शॉट ट्राई किए थे अपोजिट टू, मतलब लाइट डायरेक्ट चेहरे के ऊपर आ रही थी, तो यहाँ पे बेटर लाइट कंट्रोल रियलमी का ही था। तो ऐसी कुछ चीजें, बाकी पोर्ट्रेट मोड हमने ट्राई किया तो डेफिनेटली यहाँ पे आईक्यू और वीवो बेटर निकल के आते हैं, क्योंकि रियलमी के अंदर एज डिटेक्शन वगैरह प्रॉपर नहीं होता, जैसे कि कानों को ब्लर करा है जैसे कि देख सकते हो। 2x पोर्ट्रेट हमने ट्राई किया तो यहाँ पे बेटर डिटेल्स मुझे वीवो और आईक्यू के अंदर देखने मिली, रियलमी थोड़ा सा सॉफ्टनेस ऐड करता है। हाँ, 2x में प्रॉपर एज डिटेक्शन होता है, बाकी डायरेक्ट लाइट आ रही थी तभी पोर्ट्रेट हमने ट्राई किया, तो यहाँ पे तीनों भी अच्छे फोटोज कैप्चर कर रहे थे। हाँ, अपोजिट टू लाइट हमने कुछ फोटोज लिए तो यहाँ पे आईक्यू Z9 और वीवो T3 बेटर थे, क्योंकि रियलमी को ना चेहरे के ऊपर की लाइट मैनेज करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। बैकग्राउंड में 2x पोर्ट्रेट से हमने फोटोज लिए, बैकग्राउंड में ज्यादा लाइट थी तो यहाँ पे वीवो थोड़ा गड़बड़ कर रहा था, G9 की फोटो पूरी परफेक्ट आ रही थी। सेल्फी आईक्यू और वीवो थोड़ा गोरा बनाने की कोशिश करते, रियलमी नेचुरल टोन के साथ रहता है, तो ऐसी कुछ चीजें हैं। हाँ, यहाँ पे अपोजिट टू लाइट भी हमने सेल्फी ट्राई की तो तीनों में अच्छी निकल के आती है, बट मुझे G9 और वीवो T3 की सेल्फी अच्छी लगी, आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी 4K 30fps आप वीडियो शूट कर सकते हो, यहाँ पे आईक्यू और वीवो बेटर है क्योंकि रियलमी के अंदर ज़्यादा रेडिश टोन आती है। बाकी 1080p 60fps में भी आप वीडियो शूट कर सकते हो, जिसमें स्टेबलाइजेशन आपको रियलमी के साथ देखने को मिल जाता है। अब हमें बैटरी लाइफ की भी बात करनी चाहिए, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और आज के टाइम पे ना बहुत सारे फोन के अंदर बैटरी ड्रेन के वगैरह इशू आते हैं। तो जितना हमने इन तीनों फोन को भी टेस्ट किया, बिल्कुल बैटरी ड्रेन की इशू नहीं है, और तीनों के अंदर सेम ही कैपेसिटी है 5000mAh की, और जितना हमने टेस्ट किया था तीनों के अंदर ऑलमोस्ट 7 घंटे के ऊपर इजीली ऑन स्क्रीन मिलता है। जितना हमने आईक्यू को टेस्ट किया था 7 आवर 13 मिनट्स के आसपास ऑन स्क्रीन था, तो रियलमी के अंदर 8 आवर 24 मिनट्स के आसपास ऑन स्क्रीन था, तो वीवो के अंदर 7 आवर 24 मिनट्स के आसपास हमें ऑन स्क्रीन देखने मिल गया था। मतलब आप हेवी यूजेस भी करते हो फोन के साथ तो लगभग आपको 6 से 7 घंटे के बीच में ऑन स्क्रीन मिल सकता है, और आप लाइट यूजेस करते हो, वीडियोज वगैरह देखते हो ज्यादा, तो 7 घंटे के ऊपर आपको इजिली ऑन स्क्रीन मिल सकता है। बट यहाँ पे ना डिफरेंस आता है चार्जिंग स्पीड के अंदर। कैसे, वीवो और आईक्यू 44W के चार्जर के साथ आते हैं तो लगभग 70 to 80 मिनट्स लगते हैं फुल चार्ज होने में, जबकि रियलमी 67W के फास्ट चार्जर के साथ आता है तो इसको 50 मिनट्स के आसपास टाइम लग जाता है फुल चार्ज होने में। तो डेफिनेटली यहाँ पे चार्जिंग स्पीड के अंदर आपको डिफरेंस मिल जाएगा, बट बैटरी लाइफ में यहाँ पे ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, और तीनों की बैटरी लाइफ अच्छी है। अब बात आती है फाइनल कंक्लूजन की, क्योंकि यार इतना बड़ा वीडियो देखा है तो मेरे क्या ओपिनियन है टेस्ट वगैरह करने के बाद। देखो, सब कुछ समअप करके मैं आपको बता देता हूँ। तो तीनों भी फ़ोन मेनली यहाँ पे कंटेंट वॉचिंग के लिए भी टारगेट करते हैं, तीनों की डिज़ाइन भी मुझे मॉडरेट लेवल की लगी, तीनों की बैटरी लाइफ भी अच्छी है, बट जो मेन डिफरेंस है ना ये आता है गेमिंग सेक्शन के अंदर। यहाँ पे आईक्यू और वीवो बेटर निकलते हैं एज़ कम्पेयर टू रियलमी, और उसके साथ साथ सॉफ्टवेयर में कहीं ना कहीं मुझे जो बेटर एनिमेशन वगैरह है ना ये आईक्यू के और वीवो के फील हुए, क्योंकि रियलमी के अंदर ज़्यादा ब्लोटवेयर वगैरह होने की वजह से कभी कभी ग्लिचेस आते हैं एनिमेशन के अंदर। और रही बात यहाँ पे कैमरे की, कैमरे में देखो ऐसी चीज है कि रियलमी के जो कलर होते हैं ना ये थोड़े से नेचुरल मुझे देखने मिले, और आईक्यू और वीवो थोड़ा सा गोरा बनाने की कोशिश करते हैं, बट आईक्यू और वीवो के अंदर थोड़ी सी डिटेल्स ज़्यादा रहती है चेहरे के ऊपर, और पोर्ट्रेट मोड में भी एज डिटेक्शन वगैरह प्रॉपर होता है, जबकि रियलमी के अंदर ना कभी कभी सॉफ्ट फोटोज आते हैं और एज डिटेक्शन वगैरह मिस होता है पोर्ट्रेट में, तो ऐसी कुछ चीज़ है। तो ओवरऑल आप कैमरा देखते हो ना तो कैमरा कहीं कहीं आईक्यू बेटर है, आईक्यू और वीवो बेटर है, तो कहीं कहीं रियलमी बेटर निकल के आता है, तो ऐसी कुछ चीज़ है जो आप कैमरे सेक्शन के अंदर देखी होगी। तो मेरे हिसाब से जिनको परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, जो बंदे परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है और जिनको थोड़ा बेटर परफॉर्मेंस चाहिए और बेटर गेमिंग परफॉर्मेंस भी चाहिए, वो आईक्यू और वीवो कोई भी चूज कर लो यार, दोनों सेम ही सेम फोन है। और रही बात रियलमी की, जिनको कैमरे के अंदर चेहरे की ट्यूनिंग थोड़ी सी बेटर चाहिए वो बंदे रियलमी को ट्राई कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से यहाँ पे आईक्यू और वीवो कहीं ना कहीं मुझे लगते हैं कि ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, तो इनमें से कोई भी आप एक चूज कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ वीडियो था, और वीडियो के अंदर तो मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया है, उसको एनालाइज करके आप फिर से डिसाइड भी कर सकते हो। तो ऐसी कुछ चीज़ है, आई थिंक आपको वीडियो से सब कुछ समझ आया ही होगा। बाकी आपका कोई भी फीडबैक हो, आपको कुछ भी पूछना हो, आप जरूर नीचे कमेंट कर सकते हो, और आपको नेक्स्ट कौन सा वीडियो चाहिए उसके रिगार्डिंग भी आप कमेंट कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।